आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक ओर जहां राम मंदिर और भगवान राम की झांकियों का निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता पखवाड़ा एवं दूसरे अन्य कार्यक्रमों से आयोजन किया जा रहा है जो 21 तारीख तक चलते रहेंगे। निकाली जा रही है किस उपलक्ष्य में? भगवान श्री राम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उनके आह्वान पर आज पूरे भारत में स्वच्छता से लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के निमित्त आज भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पूरे क्षेत्र में आज से एक यात्रा को प्रारंभ किया गया है जो 21 तारीख तक यह अनवरत चलेगी और पूरे मेरठ क्षेत्र में, हापुड़ में, किठोर में, मेरठ शहर में, मेरठ कैंट में, मेरठ दक्षिण में अनवरत लगातार चलती रहेगी। आज प्रातः से ही लगभग 40 किलोमीटर से होती हुई शहर में यात्रा यहाँ पहुंची है। बाबा मनोहरनाथ मंदिर के सामने हम लोग यहाँ सब पहुंचे हैं और अभी यात्रा जो है कम वहां जाकर के होती हुई करीबन 10 किलोमीटर ओगड़नाथ मंदिर भगवान शंकर जी के यहाँ पहुंचेगी और वहीं पर कार सेवा जो सेनानी है उनका वहाँ अभिनंदन और स्वागत होगा, उनको आज सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने यानी के लंबे समय पीढ़ी दर पीढ़ी उन परिवारों ने जो लड़ाई लड़ी थी भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के और वो विजय हुई है, वो काम आज पूरा हो रहा है तो उनको वहां सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में मुझे भी रहने का सौभाग्य वहां प्राप्त हो रहा है और भगवान शंकर जी के दर्शन करके आज की यात्रा का विराम होगा, यही विश्राम होगा, कल प्रातः से यात्रा फिर प्रारंभ होगा। महाराणा जी, एक चीज देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है, क्या लग रहा है, राम में नजर आ रहा है सब कुछ? ये मेरठ की जो महान जनता है सनुज जी, जिन्होंने क्रांति की थी, वे आज यहाँ से उस लड़ाई को विजयी अपने आप को जैसे विजय जल्लूस होता है आज विजय उत्सव के रूप में ऐसा महसूस कर रहे हैं। आज मुझे देखने को इतना मुझे भावनात्मक मुझे लगाव हो रहा है कि पूरा मेरठ शहर सड़कों पे उमड़ा है और जगह जगह लगभग 115 जगह तक स्वागत सम्मान के यानी कि 3 घंटे यात्रा लेट आ रही है तो इसके कारण से इससे महसूस हो रहा है पूरे मेरठ के इन सभी वरिष्ठ नागरिक हमारे नौजवान और मातृ शक्ति का जो काफिला लगातार चल रहा है और जो अभी सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां बाबा अमरनाथ मंदिर पर जो वहां लोग डटे हुए हैं तो आज प्रातः से ही यानी कि प्रातः 5:30 बजे से ये कार्यक्रम लगातार अनवरत चल रहे हैं तो सब लोग साथ हैं पूरा मेरठ और यहाँ की जो सामाजिक संगठन है, यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कार सेवक सेनानी हैं, वे सब साथ चल रहे हैं और आज उनका जो हर्षोल्लास है निश्चित रूप से आज से ही उनकी दिवाली पटाखों के माध्यम से चल रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और यहाँ पर जगह जगह भंडारे किए इस यात्रा के सम्मान में, जगह जगह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम करे और जगह जगह लड्डू वितरण कार्यक्रम करे तो निश्चित रूप से आज जोश और उल्लास का विषय है।